नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ प्रेमशंकर कुमार। शिवहर जिला अंतर्गत प्रखंड पुरनैया की क्षेत्र पंचायत बखार चंडिया में एक अनुसूचित जाति के 12 वर्षीय बच्चा को दबंगों द्वारा चाकू मारकर किया गया घायल। बताया जा रहा है कि मृत्यु इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर में हुई है। वही आरोपी को गिरफ्तारी को लेकर के समरणालय द्वार पर सब रहकर ग्रामीण और परिजनों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए एसडीपीओ संजय कुमार पांडे और पुलिस ने तत्वरी कार्रवाई करते हुए दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। वही बता दें, मृत्यु के परिजनों ने क्या कुछ कहे, देखे हमारे मुख्य संवाददाता कंचन कुमार की रिपोर्ट। सर अपना नाम बताएंगे? भिखारी राम जी। बताइए घटना मतलब किस प्रकार हुआ? घटना थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए उसको क्या हम काम किए थे। अच्छा, पैसा उसको से मांगने किए, उसके लिए हमको पर इतना कांड किया है। अच्छा, मतलब कैसे कैसे हुआ? उसको घर में हम पेंट किए थे। अच्छा, पैसा मांगने के लिए हमको है 500 के रोज, हम उसको हमको दे रहा है 300 के रोज। अच्छा, उसके लिए हम उसको से थोड़ा बोल चाल किए, उसके लिए हमको हम तो चला गया बाहर, हमको लड़का को मार दिया है। अच्छा अच्छा, तो पैसा मांगने गया उसके पास तो जो है वो धमकी उमकी दिया उसका? हाँ, बहुत धमकी उमकी दिया, वो मारने के लिए उसी बेरा से किया था। अच्छा, लेकिन उस बेर तो नहीं मारने सका। अच्छा, अंत में हमको ये हमको लड़का के साथ में इतना घटना किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और मतलब घायल कितना व्यक्ति है, क्या आदमी को मारा गया है? दो व्यक्ति को घायल किया गया है। अच्छा, मरने वाला का नाम क्या है? अजित कुमार। उनके पिता का नाम? संजय राम। और जो बचा हुआ है, जो घायल है, उनका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार जी। आपका क्या नाम हुआ? सुपेंद्र राम। कैसे कैसे मामला हुआ है? जो मामला जो बताया वही है। अच्छा, मतलब जो मृतक जो है उसको जब जिस समय घायल था उस समय आप देखे उनको? हाँ। कैसा हालत में था? बहुत ही हालत था। क्या क्या कटा हुआ था उनका? सर कटा था। अच्छा, और घेंट कटा था। अच्छा, वहाँ कटा था। अच्छा, और काटने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? उसका नाम तो हम थोड़ा भूल गया है। चलिए आइए, मैं किसी और पर्सन से जानना चाहूँगा कि उसका नाम किस व्यक्ति ने काटा है और उसका नाम क्या है। आइए इधर, आपका नाम क्या हुआ? सुरेश राम जी, आप बताएं कि जो काटने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? नाम संजय दुबे के लड़का है। अच्छा, और कितना आदमी मारा है उसको? चार आदमी सुन रहे हैं, चार आदमी मिला हुआ है। चार आदमी मिल के उसको मारे हुआ है? हाँ। दोनों बच्चा को? हाँ। अच्छा, वो मारने वाले चारों मानुष नाम किसी को जानते हैं? नाम तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ये जानते हैं जो उसको बाप का नाम जानते हैं। अच्छा, और उसको उसका कहाँ रहने वाला है? वो चंडिया के रहने वाले हैं। चंडिया के रहने वाले हैं। तो आइए, मैं जो है मृतक का जहाँ सब रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ जो कि किस प्रकार उसको मारा गया है। देख सकते हैं, थोड़ा वीडियो दिखाइए। जो है आप देखे हैं जो कि मृतक का सब रखा हुआ है और उसके माता पिता मतलब उसके सभी परिजन जो है यहाँ पर बहुत बेहालत है। लगभग बच्चा का कितना था? बच्चा को 12 साल। 12 साल। आप मारने वाला व्यक्ति कौन बोलते हैं? संजय दुबे को बेटा था। अच्छा। और उसको साथ में एक आदमी और कौन था, मुंह बना था, वो नहीं चिन्ह है। जो घायल व्यक्ति है उसने बताया उसको साथ में हम किया था। उसको तो यहाँ से शिवहर लेकर गया, शिवहर से रेफर किया तो हम मुजफ्फरपुर गया, तो जो कुछ अस्कायदा में आया तो उसी में हमको गाड़ी में सब वो बताते गया, तो मामा ऐसे से ऐसे ऐसे फलना किया है। और जो है उसका इलाज किस हॉस्पिटल में चल रहा है? हॉस्पिटल का नाम कहाँ इलाज चल रही है? उसको मुजफ्फरपुर इलाज हो रहा है। मुजफ्फरपुर इलाज चल रहा है सरकारी अस्पताल में। आप बताइए कि पुलिस प्रशासन से आप क्या मांगना चाहते हैं? पुलिस से हम लोग, हमको जो घटना हुआ है खून के बदला हम तो खून चाह रहे हैं, अगर नहीं खून दे देगा तो उसको हमको उतना सजा चाहिए। तो आपको मतलब बताया कि जो बच्चा है मतलब एक जो डेट किया है उनके पिताजी का नाम बताए थे? संजय राम। संजय राम जी। तो यहाँ पर जो है एक नाजुक बच्चा जिसका उम्र बताया जाता है 12 वर्ष और उसको बेरहमी से जो है चाकू और छुरा से जो है उसको बेरहमी से काटा गया और इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई।